शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मी और ठेला वालों के बीच जमकर हुआ विवाद, सिरमौर चौराहे की घटना। बता दें कि रीवा शहर अक्सर अपने किसी न किसी कारनामे से सुर्खियों में आता ही रहता है। ऐसे में आज रीवा शहर के सिरमौर चौराहे का मामला सामने आया, जहां बीती रात शराब के नशे में धुत एक वर्दीधारी सहित सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मियों और ठेला व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। बताया गया कि दोनों पुलिसकर्मियों ने सिरमौर चौराहे पर स्थित कंपोजिट शराब दुकान के पास सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों में शराब पीकर जिसके बाद पानी सहित चखना का पैसा देने से इनकार किया। वहीं वर्दी का धौंस दिखाने लगे एक पुलिसकर्मी ने बताया कि वह साइबर सेल में और किसी मामले में फंसा देगा। वहीं इस दौरान ठेले वाले ने पुलिसकर्मी से पैसा मांगा तो पुलिसकर्मी ने उसके पाँव में एक लात मार दी। बताया गया कि ठेले वाले की जिस पाँव में पुलिसकर्मी ने लात मारी उसमें रॉड डाली हुई थी, जिसके चलते आसपास मौजूद ठेला संचालक आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों सहित ठेला संचालकों के बीच जमकर झड़प हुई। लगभग आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आगे दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। रीवा मध्य प्रदेश से विजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या हो गया? पैसा दीजिए। पैसा दो भाई। ओके मिलेगा तो उनका पैसा। चलो रख ला भाई। चलो ए भैया चालू दे। पैसा मिल गया। किस चले हमको नहीं मालूम है। ये क्या कह रहे हैं कि हम देखेंगे ना बताएंगे फिर। गरीब को पैसा देने चाहिए। गई तुम्हारा अभी एसपी को भेजूंगा। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ऐसी जानकारी लग रही है कि सिरमौर चौक के आसपास में कोई एक वर्दीधारी व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है। पुलिस को जानकारी लगी थी, जैसी पुलिस वहाँ पहुँचती है दारू के नशे में दोनों थे। वर्दीधारी सैनिक था वो, होमगार्ड का, वो भी कोई नेमप्लेट वगैरह नहीं लगाया हुआ था। पुलिस ने जब तक मामले का बीच बचाव किया तो वो दोनों अपने अपने घर चले गए। पुलिस को किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की थी, इसलिए पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस उस वर्दीधारी सैनिक के बारे में पतासाजी कर रही है और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर उसके विरुद्ध। एक पुलिसकर्मी जब अपने तन पर वर्दी धारण करता है तो वर्दी के साथ साथ वह कई जिम्मेदारियां भी अपने तन पर धारण कर लेता है। वर्दी जब से उसके तन पर धारण हो जाती है तब से उसके ऊपर कानून की जिम्मेदारी आ जाती है और देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाती है और लोगों से कानून का पालन करवाए। लेकिन जब वही पुलिसकर्मी कानून का पालन करवाने के बजाय खुद कानूनों को
ताक पर रखकर मजाक बनाने लगे और कानून का खुलेआम उल्लंघन करने लगे, तब ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है कि आखिरकार देशभक्ति और जनसेवा वाली पुलिस अब कर क्या रही है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले से इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी और एक सिविल ड्रेस में आदमी शराब पीकर एक ठेले में चखना के पैसे ना देने पर उत्पाद मचा रहे थे और यह बोल रहे थे कि वह पुलिसकर्मी हैं, वह पैसे नहीं देंगे, जिनको जो करना है कर लो। वहीं ठेला संचालक के साथ मारपीट भी की गई। बताया जा रहा है कि यह पूरा वीडियो रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित कंपोजिट शराब दुकान के पास लगे ठेले का है, जहां पर शराब दुकान के आसपास कई सारे चखना के और पानी के डिस्पोजल के कई अन्य सामान के ठेला लगते हैं, जहां पर शराबी जाकर शराब पीते हैं और कुछ ऐसा ही शराब पीने के लिए एक ड्रेस पहने हुए पुलिसकर्मी और एक सिविल ड्रेस में आदमी वहां पर गया और ठेले पर बैठकर पहले तो शराब पिया और शराब पीने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तब उसके द्वारा साफ तौर पर यह बोल दिया गया कि वह पुलिस है, वह पैसे नहीं देगा, अगर उससे पैसे मांगोगे तो वह आगे चलकर किसी भी केस में फंसा देगा। वहीं एक जो सिविल ड्रेस में आदमी था वह अपने आप को साइबर सेल में बता रहा था कि वह पदस्थ है और साइबर सेल में पदस्थ होने के कारण वह किसी भी फर्जी केस में फंसा देगा अगर उससे ठेला संचालक के द्वारा पैसे की डिमांड की जाती है तो। वहीं जो वर्दी पहने पुलिसकर्मी था उसके द्वारा ठेला संचालक को पैर में लात भी मार दी गई और जैसे ही लात ठेला संचालक के पैर में लगा पुलिसकर्मी का, वैसे ही आसपास के ठेला संचालक वहां पर इकट्ठा हो गए और पुलिसकर्मियों के बीच में और ठेला संचालक के बीच में झूमा झपटी होने लगी, जिसका किसी ने पूरा वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि जमकर सुर्खियाँ बटोर रहा है। वहीं सिरमौर चौराहे पर आधा घंटे ठेला संचालक के बीच और पुलिसकर्मी के बीच बातचीत चली, इसके बाद जाकर अवहिया थाने को सूचना दी गई, तब अवहिया पुलिस वहां पर पहुंची और किसी तरह से मामला शांत हुआ। वहीं इस संबंध में रीवा एएसपी के द्वारा बताया गया कि जानकारी मिली थी कि सिरमौर चौराहा पर कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष से शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। हालांकि वीडियो के आधार पर आगे की जांच की जा रही है और जो वर्दी पहने हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है वह कोई नगर सैनिक लग रहा है, जल्द से जल्द उसकी पहचान कर ली जाएगी और जो भी आगे की नियमानुसार कार्यवाही होगी वह कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जिस तरह से एक पुलिसकर्मी के द्वारा वर्दी पहनकर ऐसा कृत्य किया गया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिरकार क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या देशभक्ति और जनसेवा वाली पुलिस ऐसा ही कृत्य करेगी, वो भी शराब के नशे में? जब वर्दी ही शराब के नशे में आ जाएगी तो वह लोगों को कानून का पाठ क्या पढ़ाएगी? हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही होती है या फिर नहीं। R9 भारत के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।